आज हमारे साथ हैं आर्टिस्ट हेमराज जी, जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, आपका मीडियम क्या है और आपने उस मीडियम को क्यों सेलेक्ट किया? मेरा मीडियम है वो ऑयल ऑन कैनवस है। मीडियम चूज़ करना अपने हाथ में है, लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था BFA में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे मिस्टर प्राणनाथ मागो, PN मागो हम उनको बोलते थे। तो उस टाइम उन्होंने एक क्लास हमारी ली थी मिनिएचर पेंटिंग्स की, कॉपी करना था हम लोगों को ऑयल में। वो पेंटिंग्स मैंने उनको करके दिखाई। उस पेंटिंग में मेरे को उन्होंने मार्क्स तो इतने ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने जो रंग फैलाए हैं वो बहुत अच्छे से फैलाए हैं। मीडियम उसे ही चुनते हैं जो हमारा कहना मानता है। जैसे ऑयल ऑन कैनवस ये जो मीडियम है मेरा, बहुत अच्छे से कहना मानता है। और ये मेरा कहना इसलिए मानता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत रियाज़ किया है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। अब मेरी पेंटिंग्स मैं जैसे भी चाहता हूँ ये मेरा साथ देता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इतने मोटे मोटे कलर लगाते हो, ये सूखते कैसे हैं? तो मैं उनसे बोलता हूँ मेरी ऑयल से दोस्ती है, मेरी ऑयल कलर से दोस्ती है। मैं बोलता हूँ सूख जा तो सूख जाता है, एक पकड़ है ऑयल के ऊपर। तो मैंने अपना मीडियम चुना ऑयल ऑन कैनवस। ऐसा नहीं है कि मैंने चुना, मुझे भी किसी ने माध्यम बनाया है, मुझे भी किसी ने मीडियम बनाया हुआ है। मेरे को मीडियम ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, भगवान ने मेरे को मीडियम समझा है और उसके माध्यम से मैं अपनी पेंटिंग्स बनाता हूँ। उन्होंने मेरे को मीडियम बनाया और मैंने ऑयल ऑन कैनवस, और मुझे लगता है कि ऑयल ऑन कैनवस ने भी अपना कोई मीडियम बना रखा होगा, और जो उसने बना रखा है उसने भी कोई मीडियम बना रखा होगा। ऐसे चेन है, मीडियम छोटा सा दिखता है लेकिन इसकी पूरी चेन एक साथ काम करती है। मेरा मीडियम ऑयल ऑन कैनवस, मैं भी किसी का मीडियम हूँ, और हो सकता है वो भी किसी और का मीडियम हो। मेरे नीचे भी कई मीडियम है और मेरे ऊपर भी कई मीडियम है। हाँ तो सर, आपने जैसा कि बताया कि ऑयल एक माध्यम है, और आपने ये भी कहा कि भगवान ने आपको भी एक माध्यम बनाया है, इसी तरह आपने ऑयल को एक अपना माध्यम बनाया है जिसके द्वारा कि आप जो भी सुंदरता है, जो भी एस्थेटिक है, वो अपने कैनवस पे आप दिखाते हो और दर्शाते हो। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप अपने पेंटिंग को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कि आपको क्या बनाना है? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि आप सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं कि क्या बनाना है। क्या बनाना तो ठीक है, कुछ ही बनाओ, लेकिन मेन है कैसे बनाना है। कैसे बनाने से क्या बनाने का मतलब चेंज आता है। पेंटिंग बनाने से पहले पेंटिंग को कंसीव करना ज़रूरी है। पेंटिंग कंसीव होगी तभी हम पेंटिंग बना सकते हैं। जब पेंटिंग्स हमारे अंदर बनती है, पहले हमारे अंदर पेंटिंग बनने लगती है, शुरू में वो ऐसे दिखाई पड़ती है, मान लो कि जैसे पानी के नीचे ज़मीन है और ज़मीन के अंदर से कोई बुलबुला पानी में ही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर वो हल्का सा रेत के ऊपर आता है, फिर पानी के बीच में और फिर बिल्कुल ऊपर। तो वैसे ही पेंटिंग हमारे अंदर भी ऐसे ही जन्म लेती है। पहले वो दिखाई नहीं पड़ती कि है कहाँ, लेकिन होती है। फिर वो हल्के से उस बुलबुल की तरह बीच में आती है हमारे अंदर, फिर बिल्कुल क्लियर पेंटिंग दिखाई पड़ने लगती है। फिर हम अपनी पेंटिंग को एक ब्लैंक कैनवस पर एक ब्रश के स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं, और वो ब्रश का स्ट्रोक से फिर आगे बताता है कि अब क्या करना है। लेकिन वो पेंटिंग इतनी स्पॉन्टेनियस होती है कि उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। वो पेंटिंग हमको ही कंट्रोल कर रही होती है। पेंटिंग्स को हम नहीं बना रहे होते, पेंटिंग हमें बना रही होती है, हमें ही गाइड कर रही होती है कि इतने ऐसा करो ऐसा करो, अब ये कलर लगाओ, अब वो कलर लगाओ, हम नहीं लगाते हैं। फिर पेंटिंग जब ख़त्म हो जाती है तो हम डिसाइड नहीं करते, आर्टिस्ट डिसाइड नहीं करता कि पेंटिंग ख़त्म हो गई है, बल्कि पेंटिंग खुद डिसाइड करती है और
आर्टिस्ट को एक सिग्नल, एक आभास कराती है कि अब पेंटिंग ख़त्म हो गई है, इसको छोड़ दो। यह है पेंटिंग का शुरू से और आखिर तक का प्रोसेस। मैं कहता हूँ कि पेंटिंग में ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि क्या बनाना है, पेंटिंग में ज़रूरी है कि कैसे बनाना है। क्या बनाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम किसी को कहें थैंक यू और कहें थैंक यू, मतलब दोनों शब्द एक ही हैं, आपने एक ही थैंक यू बनाया, लेकिन कहने के ढंग से उसका मतलब चेंज हो गया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि इस बात पर ध्यान नहीं रख पाते कि कैसे बनाना है। बनाते तो हैं लेकिन कैसे बनाने से मतलब बिल्कुल शब्द का चेंज हो जाता है। जैसा कि सर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एब्स्ट्रैक्ट से आपकी क्या समझ है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने की। आपने पूछा है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट से आपका क्या समझ है, क्या अभिप्राय है। देखो, एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन लोगों ने बहुत बड़ा बना रखा है। इतनी बड़ी बात नहीं है। हम कुछ लिखते हैं या किताब पढ़ते हैं, किताबों के अंदर कुछ अक्षर बने होते हैं, कुछ शब्द बने होते हैं, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, लगातार शब्द ही शब्द लाइन से लगे हुए हैं। लेकिन वो शब्द बने हुए कैसे हैं, कैसे जमे हुए हैं वहाँ पर, वो जमे हुए हैं स्पेस, स्पेस की वजह से। एक शब्द के बीच में और दूसरे शब्द के बीच में जो स्पेस है, उसकी वजह से दूसरा शब्द दिखाई पड़ता है। अगर दोनों के बीच में स्पेस ना हो तो कोई शब्द नहीं बन पाएगा। एक शब्द के बीच में जो स्पेस है उसे मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। जैसे बादल आसमान में घूम रहे हैं, एक बादल, दूसरा बादल, तीसरा बादल, उन बादलों के बीच में स्पेस है। वो जो स्पेस है, जो खाली आसमान है, उसको बोलता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट सब इतना ही है कि जहाँ तरंगे शांत हो जाएं, जहाँ से आवाज़ आनी बंद हो जाए, तरंगे उठनी बंद हो जाएं, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट। मेरी पेंटिंग्स में भी वैसा ही है। मुझे लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटर कहते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव ये दोनों सिर्फ बनाए हुए शब्द हैं, इनका कोई आपस में कोई मतलब नहीं है। दोनों सिर्फ आर्ट को जानने के लिए हैं कि जाना कैसे जाए। जब जानना है तो फिर नाम भी रखना पड़ेगा। इनका नाम आप ए बी सी डी भी रख दो तो कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। ए रख दो या बी रख दो, फिगरेटिव को ए कर दो, एब्स्ट्रैक्ट को बी कर दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ नाम है। आर्ट दोनों में बराबर बहती है, जैसे फिगरेटिव में वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट में, कोई फ़र्क नहीं है। देखो, एब्स्ट्रैक्ट सब या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कोई फिगरेटिव पेंटिंग से अलग नहीं है या कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग से अलग नहीं है। ये जितने भी शब्द हैं, एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव, कॉन्सेप्चुअल, इंस्टॉलेशन, जितने भी मीडियम हैं, जितने भी तरीके हैं पेंटिंग करने के, जितने भी स्टाइल हैं, ये सिर्फ स्टाइल को अलग करने का, जानने का एक तरीका है। सबके अंदर आर्ट बराबर बहती है, बराबर चलती है। म्यूज़िक के अंदर भी ट्यून जहाँ पर म्यूज़िक नहीं है उससे बनती है, वैसे ही पेंटिंग्स में जो एब्स्ट्रैक्ट है, जहाँ पर शब्द नहीं है, जहाँ पर फिगर नहीं है, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। उससे भी बहुत कुछ वही फीलिंग हम दिखा सकते हैं जो कि शब्दों से दिखाई जाती है, जो हमने नहीं कहा। कई आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, हम लोग कोई भी पेंटिंग करते हैं, फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं, हमने कोई पोर्ट्रेट बनाया, हम जब तक पोर्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो स्पेस छूट गया उसको हम भूल जाते हैं, जबकि वो पोर्ट्रेट उस खाली स्पेस की वजह से भी बना है, वो है एब्स्ट्रैक्ट।
जो आपने छोड़ दिया। जब आप पेंट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हो, तो ये जो मेरा प्रश्न है आपका रंगों के संबंधित है कि क्या आपका कोई फेवरेट कलर है पेंट करते वक्त, या एक या दो कलर को आप यूज़ कर रहे हो, या फिर बहुत सारे कलर को आप यूज़ करते हो अपने पेंटिंग में? ओके, आपका क्वेश्चन है कि आप रंग कैसे चूज करते हैं, रंग का सिलेक्शन कैसा होता है? ओके, देखो पहले जब मैं पेंटिंग करता था तो मेरे कुछ फेवरेट कलर हुआ करते थे, जैसे रेड है, ब्लू है, लेकिन पेंटिंग करते करते धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि ये जो मैं पेंटिंग्स में कलर मेरे जो फेवरेट हैं तो बाकी के साथ जाती जाती है। अगर मेरा रेड पसंद है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ब्लू उतना पसंद नहीं है, और मुझे ब्लू पसंद है तो इसका मतलब ये है कि मुझे रेड उतना पसंद नहीं है, मतलब उसके साथ जाती हो गई। मैं किसी भी कलर के साथ जाती नहीं करना चाहता था, तो अब मेरा कोई भी कलर कोई फेवरेट कलर नहीं है, मेरे सभी कलर फेवरेट हैं, मेरी पूरी कलर पैलेट फेवरेट कलर है। इससे हुआ क्या कि मैं अब कोई भी कलर खुल के इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी कलर से अलग से कोई रिलेशन नहीं बनाया हुआ, मेरे सब कलर से एक रिलेशन है, एक जुड़ाव है। अब देखो आप आम जिंदगी में भी देखिए, अगर आपको रेड पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो आप नीले रंग की शर्ट इतने अच्छे से नहीं पहन पाएंगे जितना कि आप रेड कलर की शर्ट पहनेंगे। मुझे लगा यार तो सही बात नहीं है कि दूसरे रंगों को हम छोड़ दें, तो अब मेरा जो कलर कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो फेवरेट हो, मैं सभी रंगों को बराबर अहमियत देता हूँ, चाहे वो रेड है, ब्लू है, या इनके मिक्स शेड है, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, ह्यूज हैं और न्यूट्रल कलर हैं, मतलब जो भी कलर्स हैं, जो भी है, मैं सबको बराबर अहमियत देता हूँ। मैं कलर को चूज़ नहीं करता कि ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, तभी मेरी पेंटिंग्स में आपने देखा होगा सभी तरह के रंग वैसे ही आते हैं जैसे कि दूसरे रंग हैं, एक रंग दूसरे कलर से, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है, सारे कलर एक बराबर लेवल पर आकर मेरे पेंटिंग्स में दिखते हैं। देखो बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस सिर्फ कलर में नहीं होता, सिर्फ कलर में बैलेंस की बात नहीं है, हमें फॉर्म्स में भी बैलेंस दिखाई देना है, दिखना चाहिए, फॉर्म्स में भी बैलेंस दिखना चाहिए, हमें कलर्स में भी बैलेंस दिखना चाहिए, हमें लाइनों में भी बैलेंस दिखना चाहिए, हमें टोन्स में भी बैलेंस दिखना चाहिए। हम टोन्स को भी बैलेंस करते हैं, कलर को भी बैलेंस करते हैं, फॉर्म्स को भी बैलेंस करते हैं, बैलेंस हर एलिमेंट में बराबर योगदान देता है। बैलेंस नहीं होगा तो आपकी पेंटिंग अटपटी लगेगी, मतलब कोई सब इतना बड़ा बना दिया और कुछ छोटा सा। हम जैसे कोई लेटर लिखता है, कोई भी एक टाइपिंग करते हैं हम कंप्यूटर से या टाइपराइटर से, तो उसमें सारे शब्द सारे फॉन्ट एक जैसे होते हैं, अगर उसके अंदर किसी पे हम ध्यान कोई दूसरा फॉन्ट लगा दें तो वो बड़ा दिखाई पड़ता, मतलब बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस तो हमें हर चीज़ में करना पड़ेगा, लाइन में भी, टोन में भी, टेक्सचर में भी। मतलब आप कलर के साथ भी उतना ही बैलेंस रखते हो, टोन के साथ भी आप उतना ही बैलेंस रखते हो, टेक्सचर के साथ भी उतना ही बैलेंस रखते हो। आपने अपनी पेंटिंग में टेक्सचर को भी उतना ही महत्व दिया जितना महत्व आपने टोन और कलर और ड्राइंग को दिया है। बिल्कुल जी, रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो पेंटिंग बन नहीं सकती, हमें सारे एलिमेंट को बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो सर आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते वक्त चीज़ों को सीमित कैसे करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाम, एब्स्ट्रैक्ट कहने से आपने जैसे कि कहा कि दो एक रूप चीज़ों के बीच का जो गैप होता है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो एस्थेटिक सेंस है, उसको आप अपने पेंटिंग के थ्रू दिखाते हो, तो उस चीज़ को आप सीमित कैसे करते हो कि हाँ अब ये कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए? देखो अभी आप टेक्निकली बात कर रहे थे, टेक्निकली बहुत से जैसे टोन्स के बारे में, रंगों के बैलेंस के बारे में, लाइन के बैलेंस के बारे में, ये सिर्फ स्टार्टिंग में हमें देखनी पड़ती है, आर्टिस्ट को सिर्फ स्टार्टिंग में इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इनको बैलेंस करना पड़ता है, और फिर इनको
रिदम में लाना पड़ता है, मतलब हर चीज़ करनी पड़ती है, होती नहीं है शुरू में, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती, फिर ये चीज़ें अपने आप होती हैं। आप कलर लगाओगे, सिर्फ कलर स्टार्ट करोगे, कलर लगाना स्टार्ट करोगे, सारे कलर अपना बैलेंस होना शुरू होता है। आप लाइन लगाओगे, लाइनें अपना आप होनी बैलेंस होनी शुरू होती हैं। आप टोन लगाओगे, टोन्स अपना आप बैलेंस होनी शुरू करती हैं। वो बड़ा ही स्पॉन्टेनियस तरीका है, वो बहुत ही रियाज करने के बाद आर्टिस्ट को मिलता है, एक पोस्ट मिलती है उसको, जिससे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती हैं। लेकिन जब एक स्टूडेंट शुरू करता है, आर्ट का स्टूडेंट वो चीज़ें सब शुरू करता है, तो उसको बहुत जोर पड़ता है इन चीज़ों काम करने में। जैसे एक पंडित रविशंकर के कोई स्टूडेंट हैं या किसी आर्ट टीचर के स्टूडेंट हैं, तो जब वो करेंगे, वो सितार बजाएंगे, तो उनके सितार बजाने में वो भी वही राग बजा देंगे जो पंडित रविशंकर जी ने बजाया है, लेकिन उनके बजाने में एक कोशिश दिखेगी। लेकिन जब पंडित रविशंकर बजाएंगे तो उनके बजाने में कोशिश नहीं दिखेगी, वो अपने आप लगेगा कि अपना आप बज रहा है सितार, अपना आप होता है। ये बहुत प्रैक्टिस से, रियाज के बाद अपने आप चीज़ें बनने लगती हैं, सारी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। फिर टेक्निकली, टेक्निक्स की कोई बात नहीं होती कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलती हैं, स्पॉन्टेनियटी में चलती हैं। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस की बात कही, आपने कही कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता है हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, चाहे वो टोन की बात हो, कलर की बात हो या टेक्सचर की बात हो, तो आप कब से आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट ही करना है? ये कब ने आपने मतलब डिसाइड किया कि आपने BFA भी किया है, MFA भी किया है, उसके बाद कब आपने ये रियलाइज़ किया कि हाँ मैं पेंटिंग करूँगा तो एब्स्ट्रैक्ट ही करूँगा? से मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कब मैंने डिसाइड किया, असल में मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब फिगरेटिव से एब्स्ट्रैक्ट ना आ गया। मैं शुरू में बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग करता था, पोर्ट्रेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, कंपोजिशन में भी मैं काफ़ी रियलिस्टिक काम कर रहा था, लेकिन धीरे 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 वो सब चीज़ें छूटती चली गई। मैं इसको ग्रोथ कहता हूँ। ग्रोथ में हम डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या करना है, उसमें सब चीज़ें अपना आप निकल कर आती हैं। जैसे कि पेड़ लगा लो, एक पौधा है, उसके अंदर से पत्तियाँ अपना आप निकल कर आती हैं। वो डिसाइड नहीं करता कि मेरे को अब सूखी पत्ती निकालनी है, बड़ी पत्ती निकालनी है, छोटी पत्ती निकालनी है या इस तरह की पत्ती निकालनी है। वो उसकी ग्रोथ का हिस्सा है, वो अपना आप उससे निकलती हुई चलती हैं। तो मैंने डिसाइड नहीं किया कि अब मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर मैं डिसाइड करता तो मैं कुछ और भी डिसाइड कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था। ये मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट करना मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। कि कभी भी आप पेंटिंग करने के दौरान या उससे पहले जब आपने सोचा हो कि करना है, तो इस बीच आप कभी फंस गए हो, थॉट और आइडिया के बीच आप अटक गए हो कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, या फिर आपके मन में ये चल रहा है और आपको उसको बाहर निकालना है, ऐसा कभी हुआ? जब भी मैं पेंटिंग शुरू करता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम जल्दी कर देते हैं पेंटिंग, हमारे अंदर उतनी ग्रोथ उसकी नहीं होती है और हम स्टार्ट कर देते हैं पेंटिंग्स, तो वो जल्दीबाजी में वो पेंटिंग स्टार्ट तो हमने कर दी, लेकिन अभी पेंटिंग अंदर अधकची थी, तो उस पेंटिंग में हम अक्सर अटक जाते हैं। फिर उस पेंटिंग में लगातार 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 काम करते रहते हैं जब तक वो अंदर, फिर वो पेंटिंग अंदर बनने लगती है, अंदर उसकी ग्रोथ होने लगती है। बाहर के काम करने से अंदर ग्रोथ होने लगती है पेंटिंग्स की, फिर वो पेंटिंग अंदर कंप्लीट होने पर काम करते 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 बाहर वो पेंटिंग्स बन जाती है। फंसना सिर्फ तभी होता है जब हम अंदर वाली पेंटिंग्स को ठीक से टाइम नहीं दे पाते और एक के बाद कंटिन्यूशन में एक पेंटिंग करने लगते हैं, तो पूरी ग्रोथ ना होने की वजह से पेंटिंग अधूरी हमारे अंदर होती है, तो हम फंस जाते हैं। आपने कहा कि पूरी ग्रोथ ना होने के कारण आप फंस जाते हो। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे। यंग आर्टिस्टों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें?
मैं अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनको सिर्फ एक इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो भी करें अपना करें, जिसमें वो खुद दिखाई पड़े। अगर वो, मतलब ये कह रहा हूँ कि वो अपने आप को बनाए। हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब अलग अलग हैं, हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से हम बिल्कुल अलग अलग हैं। जब हम अलग अलग हैं तो जब अगर हम अपने को बनाएंगे तो हमारा आर्ट सबसे अलग होगा। बस मेरा इतना ही कहना है कि वो सिर्फ अपने को ही पेंट करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ों में आपने प्रकाश डाला है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैसे बनाना है, कलरों का कैसे यूज़ करना है, टेक्सचर कहाँ है, लाइट कैसे करना है, डार्क लाइट, यंग आर्टिस्टों के लिए मैसेज, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमराज जो आर्टिस्ट हैं, ये हमारे गैलरी के बहुत पुराने आर्टिस्टों में हैं। तो नाउ आई कंसिडर के इज वन ऑफ दी, आई वुड से इज अ यंग आर्टिस्ट, बट इज वन ऑफ दी सीनियर आर्टिस्ट इन द यंगर कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट। एंड एज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर ही हैज ऑलवेज हैड हिज ओन प्लेस। उनका जो है वो दिखाई देता है कि दिल से पेंटिंग करते हैं, और उस पर जो है वो एक जील है, उस पर एक एम्फेसिस है मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन पे। तो उनकी हिज स्ट्रोक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी लाइंस बहुत, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स इज अगेन वेरी गुड, एंड हिज सेंसिटिविटी एज फार एज कलर कॉम्बिनेशन आर कंसर्न, लाइन्स आर कंसर्न, एंड आई मीन देयर इज समथिंग विच यू कैन से विच रियली स्ट्राइक्स यू व्हेन यू लुक एट इट। यू स्टैंड बिफोर एनी ऑफ दीज पेंटिंग्स, वेदर इट्स येलो और ग्रे और मॉव और रेड, आई मीन यू फाइंड इट इक्वली फैसिनेटिंग। दैट्स वन ऑफ द वेरी बिग क्वालिटी दैट आई फाइंड इन हिज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। एंड आई ऑल्सो फील दैट ही इज एन इंस्पिरेशन for a lot of young people. He's as a teacher, I'm sure he must be producing a lot of young artists now in course of time. And all the very best for him in life, and I'm sure he'll go much, much higher and still do much better than what he's doing now. जब मैं different इनके color combinations देखती हूँ और different इनके कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो है ये आपस में आप येलो और रेड्स और वाइट, ब्लेंडिंग ऑफ कलर जो है इनका वो इतना खूबसूरत है कि एनीबडी फ्रॉम अ लेमैन टू वन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट आई एम श्योर वुड अप्रिशिएट इट ब्यूटिफुली। मतलब इट रियली grows on you. आप उसको थोड़ी देर देखते रहिएगा तो यू विल ऑलवेज फील दैट द पेंटिंग ग्रोज ऑन यू सो वेल दैट यू रियली डोंट वॉन्ट टू थ्रो गेट अवे फ्रॉम इट। तो इसमें एक ऐसा कहिए अट्रैक्शन है, इसमें एक इन्वाइटिंग स्पिरिट है कि जो आपको जो है खींचता है अपनी तरफ। तो उसमें और aesthetically, artistically, strokes wise, I find his compositions are absolutely beautiful and perfect. So, and abhi itni umar mein agar unhone itna achieve kar liya hai, so I'm sure God will bless him to be one of the very important abstract artists in course of time. I've been looking around inka yahan se aap dekh ke, और आप पूरे इस पर आप जो है व्हेन यू मूव इनटू द गैलरी आप देखिए हर कॉम्पोजिशन जो है वो दूसरे से इतना अलग है कि यू सी ऑलवेज समथिंग न्यू इन ईच ऑफ द पेंटिंग्स। उसको आप कितना देखते रहिए इट लिटरली ग्रोज ऑन यू। उनके कलर मिक्सिंग है, उनका पैलेट है, उनका जो है वो स्ट्रोक्स हैं, एवरीथिंग इन्वाइट्स यू and literally makes you involved in it. तो वो जो एक खूबी है कि उसको आप बार बार देखेंगे
अगर जैसे मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ तो आई एम टेम्प्टेड टू गो देयर एंड सी इट मोर क्लोजली, तो उस पर एक कशिश है जो आपको जो है अपनी तरफ बुलाती है कि उसको, तो ये एक क्वालिटी है जो बहुत हर पेंटिंग में नहीं आ सकती। तो ये एक पेंटर के स्ट्रोक्स कही है, कलर ब्लेंडिंग कही है, आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स पुट टुगेदर विच अट्रैक्ट यू दैट डिस्पाइट एब्स्ट्रैक्शन देयर सो मच यू टॉक इन द पेंटिंग्स एंड विच रियली मेक्स यू अट्रैक्टिव टू द एक्सटेंट दैट यू विड रियली बी टेम्प्टेड टू मूव फर्दर अप एंड सी ईच ऑफ द पेंटिंग विद इक्वल अटेंशन, गेट अब्सॉर्ब इट विद इन योर सेल्फ एंड दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इट्स वर्क। हेमराज द प्रोडक्ट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट, अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट when I was in the College of Art as professor, I have seen his constant researching upon his style, and also I have been giving my heartiest congratulations to Madam Uma Jain, the director of Dhamimal Gallery. She has a normal intuition to search the young talents. So Hemraj was at that time the young talent has been, you know, almost identified his talent, and constantly Hemraj is young to be now in a mature a painter of our country. Very his abstract styles not seems to be the abstract. He has inserts the life in the painting and the colors and the textures, and I haven't seen that any of his paintings are not lively. All are lively and given the most excitement to see and observe and enjoy, and each and every painting has got a aesthetic and the contemporary essence, aesthetic quality and the contemporary essences. So I also congratulate that young boy to a now mature artist and now very sensitive painters of our country, and he has been constantly experimenting and giving his best efforts and best creativity in his painting, and I do hope then he will be going more and more, and he is enjoying first of all that he is not a compromise artist, no compromise of his artist. Whatever he likes, he has already, you know, experimented, and the compositions, the color, then breakthrough, what not. So in a totality, he is one of the most successful painter of our country.